Assalam Class, class. From the last lecture we discussed Arrhenius concept of acid and Basis According to Arrhenius, all those substances which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ion are acid, while all those substances which substances which dissociate in aqueous solution to give hydroxide ions are bases. बट आरहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस हैज वेरी लिमिटेड स्कॉप बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट ओनली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन एक्वे सोल्यूशन एंड देर आर सो मेनी एसिड एंड बेसिस विच डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आइन बट आर स्टिल एसिड एंड बेसिस लेकिन आरहीनियस के कॉन्सेप्ट में जो है वो उन एसिड और बेसिस की नेचर के प्लेन नहीं किया गया था तो ये उसकी जो है वो लिमिटेशंस थी आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस क्लास इसमें जो है वो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं ब्रॉन्स्टेड जो है वो डेनिश केमिस्ट हैं और जो लॉरी हैं वो इंग्लिश केमिस्ट हैं दोनों ने इंडिविजुअली 1923 में जो है वो अपना कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस रिप्रेजेंट की थी और वो जो एसिड और बेसिस की जो थ्योरी थी वो बेस करती थी ऑन प्रोटोन ट्रांसफर uh, जो ब्रॉसर और लोरी का कॉन्सेप्ट था एसडोर बेसिस का वो प्रोटॉन ट्रांसफर प्रोटॉन के डोनेट होने या एक्सेप्ट होने पर बेस करती थी ठीक है अगर इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एंड एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अदर सब्सटांस एसिड वो सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है दूसरे सब्सटेंस को क्लास आप जानते हैं हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो सबसे छोटा छोटे साइज का एलिमेंट है ठीक है उसमें जो है वो एक ही उसका ऑटोमिक नंबर एक है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ही प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है ठीक है अगर उसका हम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाता है तो उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव का चार्ज आएगा उसको हम जो है वो प्रोटॉन भी कहते हैं तो वो तमाम सब्सटांस जो के वो तमाम सब्स्टांसिस मॉलिक्यूल्स या आयंस जो के प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं वो एसिड कहलाते हैं और इससे जो है हम ऑपोजिट डेफिनेशन वो तमाम सब्सटांसिस जो के प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी दूसरे सबस्टांस से वो तमाम सब्स्टांसिस हैं वो बेस कराते हैं तो चलिए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं लो। Students, यहां हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनिया एच सी एल प्लस एन एच थ्री तो हम देखते हैं है 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 तो यहाँ पे, पे जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन आइन यानी कि वो प्रोटोन जो है वो ट्रांसफर करेगा टू अमोनिया तो यहाँ पे पास बन जाएगा एन एन एच फोर इस पर जो है वो पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा प्लस क्लोरीन नेगेटिव आइन अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स मतलब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है कि उसका ओवरऑल चार्ज है वो जीरो है लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन को अलग करेंगे तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और मतलब क्योंकि उसने जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया ठीक है, है तो यहाँ पर क्लोरिन पर नेगेटिव चार्ज होगा और अमोनिया पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने जो है वो प्रोटोन डोनेट किया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर जो है वो एसिड है इस इक्वेशन में और अमोनिया ने क्योंकि प्रोटोन एक्सेप्ट किया है तो वो यहाँ पर बेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड वाइल अमोनिया इज अ बेस अब एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर प्लस यहाँ पे भी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोटोन डोनेट करेगा तो यहाँ पर मैं आप सोचिएगा एच थ्री ओ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्लोरिन नेगेटिव चार्ज ठीक है क्लास तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप क्योंकि एच सी एल ने जो है वो अपना प्रोटोन डोनेट किया था यहाँ पर एच थ्रो हो गया एच थ्री ओ हो गया ठीक है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिड है और एच सी एल एसिड है और एच टू ओ एच टू ओ वाटर यहाँ पर स्टूडेंट्स एज एन बेस एक्ट करेगा हमें मालूम है जो वाटर है वो न्यूट्रल होता है लेकिन इस इक्वेशन में क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो ब्रॉन्ड एंड लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो एक बेस है ठीक है तो चलिए एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एच टू ओ प्लस एन एच थ्री स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो एच टू ओ जो है यहाँ पर वाटर जो है वो हाइड्रोजन जो है वो रिली प्रोटोन आइन हाइड्रोजन आइन या फिर प्रोटोन जो है वो डोनेट करेगा तो हमारे पास हो जाएगा एन एच फॉर पॉजिटिव चार्ज प्लस ओ एच नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पे क्योंकि वाटर जो है वो एक प्रोटोन डोनेट कर रहा है अमोनिया को ठीक है तो वाटर जो है यहाँ पर एसिड है इस क्वियन में जो है वो वाटर एसिड है और अमोनिया यहाँ पर बेस है क्योंकि वो प्रोटोन एक्सेप्ट करें तो स्टूडेंट्स अगर आप हम दोनों इक्वेशन को अपनी कंपेयर करते हैं ऊपर नीचे वाली हमने यहाँ पे तो ऊपर आपको मैंने कहा था कि वोटर जो है वो बेस है नीचे में आपको कह रही हूँ कि वोटर जो है वो एसिड है मैं आपको पहले बता दूँ कि हम जो वोटर को है हम लोग एज अ न्यूट्रल कंसिडर करते हैं लेकिन क्योंकि इस इक्वेशन में ऊपर एच एल प्लस वोटर में जो है वो वोटर हमारा हाइड्रोजन uh, प्रोटोन है उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो वहाँ पर वो एज एन बेस एक्ट करेगा क्योंकि ब्रॉसन लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो तमाम सब्सटेंसेस जो के प्रोटोन uh, एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं ठीक है तो यहाँ पे वाटर जो है वो एज एन बेस एक्ट करेगा इस क्वियन के अंदर और इस क्वियन में जो है वो क्योंकि वाटर अपना प्रोटोन डोनेट कर रहा है टू अमोनिया तो यहाँ पर जो है वो वाटर एक्ट करेगा एज एन एसिड ठीक है कोई बात क्लियर हो गई हमारी स्टूडेंट्स हमने देखा कि वाटर जो है वो एज अ बेसिक बेस टेक्ट कर रहा है और एज एन एसिड भी एक्ट कर रहा है तो वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि बेस और एसिड दोनों के तौर पर एक्ट कर सकता है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं ठीक है अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटे ठीक है तो आपने इस डेफिनेशन को भी नोट कर लेना है इसको भी अच्छे से याद करना है और स्टूडेंट्स हम आपको एक बात बता दूँ हमने इस डेफिनेशन में ही देखा कि किसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू तो एन अदर सबस्टांस और बेस की डेफिनेशन क्या थी अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एन अदर सब्स्टांस इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं एसिड की तो जब एक इक्वेशन में एसिड होता है तो लास्ट लास्टम दूसरा सब्सटेंस जो है वो बेस है बेस और एसिड जो है वो दोनों एक साथ काम करते हैं इनको प्रोटॉन ट्रांसफ़र जो है वो एक साथ हो रहा है प्रोटॉन डोनेशन वो दोनों काम एक साथ हो रहा मतलब है अगर एसिड है तो वहाँ पर बेस भी मौजूद है एक सब्सटेंस उसी वक्त एक्ट कर सकता है एक्सेप्ट एन बेस एक्ट करेगा उसी वक्त हमारा दूसरा सबस्टान्स, एक एक सबस्टान्स है, वो एज एन एसिड एक्ट करेगा ठीक है कोई बात समझ गई कि एक सब्सटेंस के एसिड होने के लिए ये जरूरी है कि दूसरा सब्सटेंस बेस हो एक सब्सटेंस एज एन एसिड तभी एक्ट करेगा जब दूसरा सब्सटेंस स्टॉन्ट एज एन बेस एक्ट करेगा ओके okay, स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफर किया अमोनिया ने एक्सेप्ट कर लिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिड हो गया हमने कह दिया और अमोनिया जो है वो बेस हो होगा उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया अगर आप देखें यहाँ पर ही हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है ठीक है फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा था कि एच सी एल ने प्रोटॉन डोनेट किया वो एसिड हो गया अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो बेस हो गया ठीक है लेकिन अब अगर हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की बैकवर्ड रिएक्शन की तो आप देखें ज़रा कि तब अगर अमोनिया और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या होगा तब अमोनिया जो है वो डोनेट करेगा प्रोटॉन और क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन तो फिर क्लोरीन जाएगा और जो है वो थ्री बन जाएगा ठीक जा है की बात करते हैं, तो यहाँ पर, तो पर क्योंकि अब हमने बात कर दी कि वो एसिड होगा जो कि डोनेट करता है तो इस क्वेश्चन में एन फोर जो है वो एसिड है बट कंजुगेट एसिड बोलते हैं कंजुगेट एसिड ओके क्योंकि क्लोरीन जो है वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर है प्रोटॉन तो ये यहाँ पर बेस है पर कंजुगेट बेस ठीक है तो अगर हम देखें कि यहाँ पर एन एच थ्री ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो वो बेस हो गया लेकिन इस इस तरफ जाकर जो जा है वो प्रोटोन डोनेट करेगा तो वो एसिड हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब है हमारा कंजुगेट एसिड जो है वो बेस से बनेगा प्रोटॉन डोनेट करने के बाद और जो हमारा कंजुगेट बेस है वो एसिड से बनेगा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं अब हम लोग अ कंजुगेट एसिड इज अक्सेप्टिंग बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस एसिड्स एसिड वो स्पीशी है जो कि बेस से बनती है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद एंड कंजुगेट बेस इज अच इज फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन डोनेटिंग प्रोटोन बाय एन ठीक है लेकिन प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद तो मैं आप यहाँ पे वो एग्जाम्पल दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं एच सी एल प्लस वोटर एच सी एल जो है वो क्योंकि प्रोटोन डोनेट कर रहा है तो वो एसिड है और एसिड से हमारा यहाँ पे वो सी बन गया था ना तो एसिड से हमारा कंजुगेट बेस बनेगा प्रोटोन डोनेट करने के बाद ठीक है और एच टू ओ हमारे यहाँ पे बेस था तो एच टू ओ से हमारा एच टू ओ हमारा बेस है जिससे हमारा कंजुगेट एसिड बनेगा प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्लास कि हमारा ब्रॉन्सूडी कॉन्सेप्ट क्या है ठीक है अब इसके अंदर थोड़ी सी लिमिटेशंस देख लेते हैं there आर मैनी acids विच कैन विच cannot नॉट डोनेट अ प्रोटोन अब हमारी इसकी लिमिटेशन ये हैं कि बहुत सारे ऐसे एसिड्स भी हैं जो कि प्रोटोन डोनेट नहीं कर सकते जैसे कि हमने आपको सबसे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने ये बात डिस्कस की थी कि एस ओ थ्री जो है वो हमारा एसिड है लेकिन जो है वो प्रोटोन डोनेट नहीं कर सकता ठीक है, है और दूसरा क्या बात है कि देर आर मैनी बेस विच कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटोन दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास बहुत सारे ऐसे बेसिस uh, भी हैं जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते जबकि बॉस्टर लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो लास्ट में वो वही बेस होंगे जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेस है बट वो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता ठीक है क्लास तो ये कुछ लिमिटेशन हैं जिसकी वजह से ये भी जो है वो बार्ली एक्सेप्टेड नहीं है अब हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस डिस्कस करेंगे तब तक आप इसको अच्छे से याद करें गुड लक अल्लाह हाफिज़